सिर्फ जनता के विकास के बारे में बात करेंगे या सिर्फ अपना विकास के बारे में बात करेंगे? देखिए, हम जनता के विकास की ही बात करेंगे और हमारा तो नारा दिया है कि वादा नहीं विकास करेंगे। तो बिहारियों कब तक दूसरे राज्य में जाकर काम करते रहेंगे? निश्चित रूप से आपका जो सवाल है बहुत बढ़िया है कि आज हमारा भी एक दर्द है दिल में बिहारी के नाम पे। तो भाई बेलागंज की जनता से सवाल पूछते हैं कि ITI कॉलेज की व्यवस्था क्यों नहीं यहाँ पे है, डिप्लोमा कॉलेज की क्यों व्यवस्था नहीं है, 2 घंटा अगर बाजार में रहे उनकी सोच लग जाए तो क्या स्थिति रहेगी? सरकार अभी तक सोच नहीं पाया है। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो के आशुतोष कुमार जी जो पार्टी का संस्थापक हैं और वो जो विधानसभा बेलागंज में उपचुनाव होने वाला है तो करता हूँ, युवा नेता लग रहे हैं और पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं, तो इनको भली भांति पूर्ण तरीका से मालूम होगा कि युवाओं के प्रति क्या अभी गुजर रहा है। कैसे हैं सर जी? बहुत बढ़िया हैं। आप कैसे हैं और आप आए हैं इसके लिए आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हैं। सर, आप जो उपचुनाव होने वाला है बेलागंज से उसमें आप उम्मीदवार आपको उतारा जा रहा है, जमीनी स्तर पर जाके आपने देखे होंगे कहीं पे क्या क्या आपको कमियां कुछ दिखा है? सबसे पहले तो मैं पार्टी का, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। उनके जो नेतृत्व हैं आशुतोष जी हमारे नेता हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि हम इस कार्यकर्ता को मौका दिया गया है कि उपचुनाव आप लड़िए और पूरी मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और विगत 10 वर्षों का हम लोग का अनुभव है क्षेत्र में, गांव-गांव घूमने का हम लोग काम किए हैं और खटिया मचान दूरा दलान पे बैठे हैं और आम जनमानस की स्थिति को हम लोग समझने का काम किए हैं, किसान मजदूरों की स्थिति को समझने का हम लोग काम किए हैं कि किसानों का खेत में पानी नहीं पहुँच पा रहा है, आहार पोखर नहर की क्या स्थिति है आपसे छुपा नहीं है, जल जीवन हरियाली की क्या स्थिति है आपसे भी छुपा नहीं है, तो क्षेत्र का क्या स्थिति है इस बार जनता मूड बना चुकी है और इस बेलागंज की जनता बेला को इस बार विधानसभा उपचुनाव में हमें तो क्या लगता है कि उत्तम जी जीत हासिल करके अगर बेलागंज विधानसभा में जाते हैं तो जो किसानों के काफ़ी सारे समस्या का झेलना पड़ता है, सिंचाई का हो गया, खाद वगैरह हो गया और तरह तरह के, क्या ये सारे सुविधा मिलेगी? देखिए, अगर बेलागंज की जनता हम पे विश्वास करती है और वोट देती है, मतदान करती है और विधानसभा भेजने का काम करेगी तो जो 5 मेरा बेसिक मुद्दा है वो पहले 9 महीना में हम काम करने का प्रयास करेंगे। जो भी पार्टी से जो लोग आए हैं किन्हीं के पास कोई मुद्दा और संकल्प पत्र नहीं है कि वो 5 मुद्दा के साथ बेलागंज में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम 5 मुद्दा जो बेसिक है हमारा, पहला मुद्दा है कि महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण बाजार में करवाने का, चाकंद में या बेलागंज में। आज दूर दराज सुदूर इलाके से आते हैं, महिलाओं के लिए शौच की व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, बताइए 2 घंटा अगर बाजार में रहे उनकी शौच लग जाए तो क्या स्थिति रहेगी? सरकार अभी तक सोच नहीं पाया है। दूसरा बेसिक मुद्दा है कि हम 9 महीने में किसान मजदूर के लिए उनके खेत तक पानी पहुँचाएंगे, क्योंकि बेलागंज जो है कृषि आधारित है, जनता कृषि पर आधारित है, ना कोई फैक्ट्री है ना कोई संसाधन है, तो हम पहले प्रयास करेंगे नहर आहार पोखर पानी का उड़ाही होना चाहिए। तीसरा जो बेसिक मुद्दा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य में टाइम पे टीचर को स्कूल आना है और व्यवस्थित करने का हम प्रयास करेंगे जितने भी विद्यालय चल रहा है। तो क्या आप विद्यालय जा करके निरीक्षण करेंगे कि क्या शिक्षक टाइम पे आ रहे हैं, बच्चे का अच्छा एजुकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, मेरा पुराना वीडियो अगर उठा के देखिएगा जिला परिषद चुनाव का और पिछले कई दिनों का, तो उसमें आप देखिएगा कि हम ग्राउंड लेवल पे बाउंड्री वाल की समस्याएं, शिक्षा का व्यवस्था कैसे सही हो उस पर भी हम काम किए हैं और काम कर रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि गांव-गांव जाके जो भी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, उच्च विद्यालय है, बेलागंज अग्रवाल हाई स्कूल है, रामेश्वर हाई स्कूल विद्यालय है, चाकन में स्कूल है, तो उन सब विद्यालय में जाएंगे, व्यवस्था सुधर ठीक करने का हम प्रयास करेंगे। सर, आप भी जान रहे हैं बिहार के जो केंद्र एजुकेशन सिस्टम कौन से हालात में चला गया है कि जो नीचे तबके के लोग होते हैं, गरीब बच्चे के जो होते हैं वो अच्छा एजुकेशन नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, क्या उसके अच्छा एजुकेशन के लिए भी कोई व्यवस्था करेंगे? देखिए, ये तो बिहार का दुर्भाग्य है कि इस बिहार की धरती से डॉक्टर राजेंद्र बाबू और जैसे कई विद्वान, चाणक्य की धरती है, मगध की धरती है, तो बिहार में तो कुटकुट के शिक्षा भरा हुआ था, पूरी दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम था, पूरी दुनिया से नालंदा विश्वविद्यालय में लोग पढ़ने आया करते थे। आज पिछले मुख्यमंत्री जी का पिछले 18 साल कालकाल देख लीजिए, शिक्षा का क्या व्यवस्था है यहाँ पे, आज बच्चा लोग बाहर क्यों पलायन हो रहा है टेक्निकल डिग्री लेने के लिए? हम तो भाई बेलागंज की जनता से सवाल पूछते हैं कि ITI कॉलेज की व्यवस्था क्यों नहीं यहाँ पे है, डिप्लोमा कॉलेज की क्यों व्यवस्था नहीं है? आप अगल बगल जिला में चले जाइए, अरवल में चले जाइए, जहानाबाद में चले जाइए, तो ITI डिप्लोमा का व्यवस्था है,
कई विधानसभा में, तो हमारे विधानसभा में शिक्षा से रिलेटेड, विद्यालय से रिलेटेड, अच्छा गुणवत्ता वाला जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा का वहाँ विश्वविद्यालय खुलना चाहिए, उसका व्यवस्था होना चाहिए वहाँ पे। सर, बहुत से ऐसे नेता होते हैं कि जितने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम जिस एरिया से विधानसभा में जीत करके जाऊंगा तो इस एरिया के विकास के लिए है विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे, तो क्या लगता है कि उत्तम सर वहाँ पे जाएंगे और सिर्फ जनता के विकास के बारे में बात करेंगे या सिर्फ अपना विकास के बारे में बात करेंगे? देखिए, हम जनता के विकास के ही बात करेंगे और हमारा तो नारा दिया है कि वादा नहीं विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, जो कि हमारी पार्टी का नाम ही राष्ट्रीय जन जन पार्टी। और दूसरा जो संकल्प हम लेके आए हैं कि एक ही संकल्प अपना, समृद्ध बेलागंज हो अपना, इस संकल्प के साथ जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद लेंगे और निश्चित तौर पे इस बार जाति पाति से उठ के लोग वोट करेंगे और वंशवाद की राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी, बदलाव होगी। हाँ सर, एक बहुत से अभी बड़ी मुद्दा बना हुआ है वंशवाद, तो क्या लगता है कि जो ये राष्ट्रीय जन जन पार्टी है ये समाज के हित में बात करता है या अपना वंशवाद के हित में बात करता है? देखिए, पार्टी जन जन का पार्टी है, ये समाज हित की ही बात करती है, जो आम जनमानस की समस्याएं हैं उसके लिए लगातार ये संघर्ष कर रही है। पिछले विधानसभा में भी कई सीटों पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही किया था और इस बार भी उपचुनाव हम लड़ रहे हैं तो पूरी मजबूती से लड़ेंगे। और हमारे पार्टी में कोई वंशवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। कई पार्टियां हैं जो कि उम्मीदवार हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए, पुराना इतिहास उनका क्या रहा है। कई लोग दूसरे विधानसभा से लड़ते हैं फिर इसी विधानसभा में चुनाव में लड़ने आ जाते हैं, तो कब तक चलेगा? आम गरीब का बच्चा कोई विधानसभा नहीं जाए, यही पोर्टफोलियो पे सरकार तो काम कर रही है, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगों के बोलते हैं, वंशवाद की राजनीति चल रही है यहाँ पे। तो शिक्षित उम्मीदवार अगर कोई आता है तो जनता इस बार पूरी तरह से मूड बनाई हुई है कि भाई वोट करके सदन में भेजने का काम करेंगे। आप बिहार के उपचुनाव का पिछला उपचुनाव को देखिए, उपचुनाव में क्या स्थिति थी, शंकर सिंह जीत क्या है निर्दलीय, तो जनता तो अच्छा। दूसरी चीज़ है कि ना इससे कोई सरकार बन रही है ना बिगड़ रही है, तो जनता को तो चाहिए ऑप्शन, उसी ऑप्शन के रूप में इंजीनियर उत्तम कुमार मैदान में है और जन जन पार्टी को इस बार आशीर्वाद देकर। अच्छा सर, जो नेता वंशवाद जो होता है वो कहीं ना कहीं चार महलों यानी चार दीवारें के अंदर में रहते, वो ग्राउंड पे जाते नहीं है, उनको नहीं पता है कि गरीब आदमी किस हालात में रहता है, तो क्या उत्तम सर पूरा ग्राउंड पे जाके घूमते हैं और सभी का समस्या जानते हैं और जीत कर जाएंगे तो क्या समस्या समाधान होगी? देखिए, आप मेरा पुराना इतिहास को देखिए, जिला परिषद चुनाव का जनता हमें कितना मतदान किया था, हम दूसरे नंबर पे थे, असाजीसन हमको हराया गया। अब पुराना मेरा पूरा इतिहास को खंगालिए और जनता हमें क्यों वोट दिया था, क्यों आम जनमानस का मुद्दा के बीच में हम उठाने का काम किए थे, डकबंगला में लाइट लगवाने का काम किए, कई RTI मार के नहर खुदवाने का हम काम किए, अच्छा वृद्धा पेंशन बनवाने का काम करते हैं, तो आम दिन जॉब लगवाने का हम काम करते हैं, टेक्निकल डिग्री के जो ITI करके डिप्लोमा BTEC करके हैं, जो बेरोजगार बैठे हैं उनको नौकरी दिलवाने का हम दिल्ली और अलग अलग जगहों पे करवाते हैं। तो स्थिति है कि बिहार में बेरोजगारी अपलायन बढ़ा है, तो हमारा क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपलायन है। आप हमारे क्षेत्र में आप चले जाइए, आप पूरे गया जिला के इतिहास को उठा के देखिएगा, 10 विधानसभा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अपलायन हमारे बेलागंज विधानसभा में है। सिर्फ बेलागंज में नहीं, बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहारियों कब तक दूसरे राज्य में जाकर काम करते रहेंगे? निश्चित रूप से आपका जो ये सवाल है बहुत बढ़िया है कि आज हमारा भी एक दर्द है दिल में बिहारी के नाम पे। हम भी आज टेक्निकल एजुकेशन डिग्री अगर बाहर लेके लेने गए थे 2010 से 14 में, यहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, तो हम 10 से 14 में BIT इंजीनियरिंग करने गए, तो आखिरकार बिहार में अगर टेक्निकल ITI डिग्री खोल जाता तो हमको बाहर जाने का क्या ज़रूरत था? तो जो हमारे क्षेत्र का युवा, बिहार के युवा इस चीज़ को चिंतन करे, मनन करे कि भाई जो वर्तमान में सरकार है वो वादाओं पे काम कर रही है नहीं कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उखाड़ के फेंकिए आप और नए लोगों को लाइए मैदान में, नए लोगों को मौका दीजिए। जब तक मौका नहीं दीजिएगा तब तक हम काम कैसे करेंगे, आपका मुद्दा कैसे उठाएंगे? हम तो कह रहे हैं कि अगर विधानसभा में हमको 9 महीना भेजा जाता है तो इंजीनियर उत्तम कुमार अगर बोलेगा तो विधानसभा में सिर्फ बेलागंज डोलेगा, सिर्फ बेलागंज डोलेगा, बेलागंज की तमाम जनमानस की मुद्दा डोलेगा। यानी इस तरह से विकास करना है बेलागंज विधानसभा का, बेलागंज को इस चौमुखी विकास की ओर हम लेकर जाने का काम करेंगे। एक बार जनता हमें आशीर्वाद दे, मैं खुद शिक्षित उम्मीदवार के रूप में हूँ, मेरे पास कई ऐसे चीज़ें हैं, लोग
लोगों के बीच में जाएंगे। यहाँ पे बेरोजगारी और पलायन पहले प्राथमिकता होगी हमारा, शौचालय का व्यवस्था, नहर आहर पानी पोखर का व्यवस्था, किसान मजदूर के लिए जो स्थिति बनी हुई है, अफसर लोग क्या कर रहे हैं, गरीबों को खून चूसने का काम कर रहे हैं। आप चले जाइए ब्लॉक में क्या स्थिति है, तो आम दिन तो लोगों के बीच में स्थिति बन रही है, उन लोगों के लिए लड़ाई कौन लड़ेगा। हम लोग किसान मजदूरों की लड़ाई शुरू से लड़ते हैं और आगे भी लड़ेंगे। हाँ सर, गरीब को हर जगह पे खून चूसा जा सकता है, इतना भ्रष्टाचार है सर हर चीज़ में देखिए, तो क्या भ्रष्टाचार कुछ रुकेगा? देखिए निश्चित तौर पर अगर युवा चाह जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। कहा गया कि ठमठो कटे लेता है जब नर पर्वत के जाते पाँव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो बेलागंज में उस पत्थर को पानी बनाने का काम जिस बार जनता करेगी और एक बार बदलाव लाएगी, एकदम निश्चित रूप से बदलाव लाएगी, और ये जो पुराने नेता हैं इनकी बोरिया बिस्तर बंद करवाने का काम करेंगे। हम सोने के और चांदी के चम्मच से पैदा लेने वाले नेता में से नहीं है, हम जमीनी संघर्ष करके लोगों के बीच में संघर्ष करके आए हैं। तो आप इस बार, बाकी तो जनता भगवान है, इनको आशीर्वाद देता है। देखिए तो क्या बेलागंज में अब लग रहा है कि जो बेरोजगारी है, बेलागंज विधानसभा में फैक्ट्रियां लगेगी और जो नीचे तबके के लोग उनका रोजगार मिलेगा? बिल्कुल रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। अगर बेहतर उम्मीदवार अगर आपके बीच में है तो उनको चुनिए, और हम तो आशीर्वाद लेने जनता के बीच में जाएंगे और बेलागंज को इतिहास बदलने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, ये सारे तमाम ये उत्तम सर ने वादे किए हैं और मुझे विश्वास है कि अगर जीतेंगे तो ये बेला विधानसभा में अच्छा ही वर्क करेंगे, अच्छा ही काम करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।